यह सवाल क्यों चर्चा में है कि देश के बड़े फैसले कौन लेगा, पीएम मोदी या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट पर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज इसका चैप्टर खोलूंगा और आपको वो किस्सा, वो अनसुना किस्सा भी इस बीच में सुनाऊंगा जिसमें एक पूरी विधानसभा और 28 जजों के बीच आमने सामने का भयंकर टकराव हो गया। देखिए, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ जो होते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जुडिशियरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका और विधायिका के बीच का टकराव वैसे तो नई बात नहीं, लेकिन हाल के दिनों में यह टकराव ना तीखा होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणियां रही हो, या फिर कोलिजियम सिस्टम पर जो सवाल उठे हैं वो रहे हो, या फिर जजेस की नियुक्ति को लेकर टकराव रहा हो, इन सबके बारे में मैंने आपको पहले विस्तार से बताया कि कैसे सरकार और जुडिशरी आमने सामने दिख रहे हैं। इस बीच एक चीज और दिख रही कि आम लोगों में भी न्यायपालिका की टिप्पणियों से लेकर जो फैसले न्यायपालिका से आ रहे हैं उस पर चर्चा जो है वो बढ़ने लगी। मसलन आप देखिए, नुपुर शर्मा के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टिप्पणी आई थी तो आम लोगों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी कि जजों ने ऐसा क्यों कहा, क्या जरूरत थी ऐसा कहने की, वगैरह वगैरह चीजें चर्चा में आई हर जगह। इसी तरह आपको हाल के दो उदाहरण दूं जिसको लेकर बड़ी चर्चा लोगों में है कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में सड़क पर बैठे मुस्लिम परिवारों के मामले में तो तुरंत सुनवाई कर ली और बुलडोजर चलने पर फिलहाल के लिए रोक भी लगा दी, लेकिन जब जोशीमठ में उजड़ते घरों का मामला पहुंचा तो सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि अर्जेंट सुनवाई नहीं हो सकती। लोग चर्चा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस देश का हर जरूरी मसला सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आ सकता। जब जोशीमठ का मामला पहुंचा उन्होंने कहा कि हर जरूरी मसला हमारे पास नहीं आ सकता। भाई, देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई संस्थाएं हैं इन मामलों को देखने के लिए, हम ये केस जो है वो 16 जनवरी को सुनेंगे। अब यही बात आम चर्चा में होने लगी कि न्यायपालिका ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलना था और उत्तराखंड के हल्द्वानी का मामला था उसको सुनते वक्त तो नहीं कहा कि हर चीज लेकर हमारे पास नहीं आ सकते आप, लेकिन जोशीमठ पर कह दिया। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अपने हिसाब से इस पर लिख रहे हैं। इसी तरह से हाल में एक मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया था कि डोंट टेल मी प्रैक्टिस, आई विल डिसाइड व्हाट प्रैक्टिस हैपेंस इन माय कोर्ट। यानी मुझे मत बताइए कि कैसे काम करना है, मैं तय करूंगा कि मेरे कोर्ट में कैसे काम होता है। यह टिप्पणी तब आई जब मामला एक केस को जल्दी सुने जाने की अर्जी से जुड़ा हुआ। अब इस पर भी चर्चा हो रही है दबी जुबान से कि अदालतें सबको बता सकती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन खुद के मामले में तुरंत लक्ष्मण रेखा खींच देती है कि हमको मत बताइए, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें पब्लिक डोमेन में आजकल चर्चा में बहुत, मतलब न्यायपालिका आजकल चर्चा में भी है और कई बार कुछ सवालों के दायरे में भी। और अब एक बार फिर देश के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाए जिसकी वजह से आज ये चैप्टर खोल रहा हूं। सरकार और संसद के काम में न्यायपालिका के दखल के मुद्दे पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ी बात कह दी। जयपुर में क्या हुआ कि विधानसभा स्पीकर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा, अच्छा वहां अशोक गहलोत भी थे, उन्होंने भी क्या कहा वो भी अभी सुनाऊं, लेकिन पहले जगदीप धनखड़ को सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो क्या उस पर कोर्ट की मुहर लगनी जरूरी है, उसके बाद ही वो कानून माना जाएगा क्या? पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का बयान सुनिए फिर आगे की बात। अब आज के हालात क्या है, वन अपमैनशिप, पब्लिक पोस्टिंग, पब्लिक पोस्टिंग फ्रॉम जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स, ये ठीक नहीं है। दीज इंस्टीट्यूशंस मस्ट नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। देर कैन बी इंटरेक्शन, देर कैन बी डिलीब्रेशंस, बट यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक कंजप्शन, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। द श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटोर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को यह मैसेज दो, फ्रेंड्स आई हैव डिक्लाइन टू एंटरटेन द अटोर्नी जनरल ऑन दिस पॉइंट, आई कैन नॉट बी पार्टी to emasculate
द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? देश के उपराष्ट्रपति गंभीर बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या कोई संस्था तय करेगी कि संसद में जो कानून बन रहा है वो तभी कानून माना जाएगा जब हम मुहर लगाएंगे। मतलब एक तरीके से जुडिशियरी पर प्रश्न उठा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में, अच्छा ये भी देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी थे, उन्होंने भी जुडिशियरी के दखल को लेकर चिंता जाहिर की। ओम बिरला ने कहा कि न्यायपालिका को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। साथियों, जैसा सबने चिंता व्यक्त की कि संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रथमकरण और संतुलन को के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। उपराष्ट्रपति को आपने सुना, लोकसभा के स्पीकर को सुना, वो तो न्यायपालिका को मर्यादा याद दिलाने लगे कि उनको भी ध्यान रखना चाहिए संविधान में उनको क्या अधिकार मिला हुआ है न्यायपालिका को। अच्छा, कोई कह सकता है कि भाई ये लोग बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, अभी भले संवैधानिक पद पर हैं लेकिन जुड़ाव तो बीजेपी से, पर ऐसा नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो तो कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए, उन्होंने भी कहा कि कभी कभी लगता है कि न्यायपालिका हमारे काम में दखल दे रही है। एक बार उनको भी सुनिए। कई बार जुडिशियरी के साथ में थोड़ा डिफेंसर भी आते हैं कि कानून बनाते हम लोग, वो अपनी अलग व्याख्या करते हैं। कई बार लगता है कि जुडिशियरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर। यानी देश के कानून मंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक, सबको ऐसा लग रहा है कि सरकार के काम में न्यायपालिका का दखल बढ़ रहा है। अलग अलग विचारधारा रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस मामले में एक ही स्वर में बोल रहे हैं। पर यहां दो सवाल कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि न्यायपालिका जो है वो सरकार के काम में घुस रही है, और दूसरा ये कि क्या ऐसा पहली बार है कि न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ गए, उनमें टकराव हो रहा है। दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। आज आपको वो किस्सा भी सुनाऊंगा जब यूपी की पूरी विधानसभा और हाईकोर्ट के 28 जज आमने सामने ऐसी तनातनी हो गई कि जजों की विधानसभा में पेशी का आदेश दे दिया गया कि जज को विधानसभा में पेश कीजिए, और जवाब में हाईकोर्ट ने 28 जज की बेंच बना दी कि देखते हैं कि किस किस को बुलाते हैं। 28 जज की जजों की बेंच आपने कभी सुनी है? लेकिन फिर क्या हुआ इस बड़े टकराव में, इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज एक और मामले का जिक्र किया, उसके बारे में भी जरा आपको बताना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने 1973 के एक मामले का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया। एक बार छोटा सा वो बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ये किस मामले का जिक्र हो रहा है और कैसे ये मामला टकराव में पहुंचा। 1973 के अंदर एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई। 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस। उपराष्ट्रपति 1973 के जिस केस को न्यायपालिका की तरफ से शुरू हुई एक गलत परंपरा बता रहे, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि यह टकराव कब, कहां, कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं उसका आधार क्या है?
1973 का वो बहुचर्चित केस था, केशवानंद भारती केस। आज सुनिए कि इस केस में हुआ क्या था। केशवानंद भारती केरल के कासरगोड में इडनीर मठ के प्रमुख थे। 19 साल की उम्र में ही केशवानंद ने संन्यास ले लिया था और उसके बाद वो इडनीर मठ से जुड़े और उसके प्रमुख बने। उस समय इडनीर मठ के पास सैकड़ों एकड़ जमीन होती थी, मठों के पास होती थी, तो मठ की आय का मुख्य जरिया भी वही जमीन मानी जाती थी। लेकिन 1969 में क्या हुआ कि केरल भू सुधार संशोधन कानून लागू हुआ। इस कानून के तहत केरल सरकार ने जो इडनीर मठ था उसकी 400 एकड़ जमीन का टेक ओवर कर लिया, ये अब सरकार के पास, और इसमें से 300 एकड़ जमीन पट्टे पर खेती करने वाले जो किसान थे उनको दे दी, ये आप इस पर खेती की। मठ की जमीन सरकार ने टेक ओवर की कानून लाकर और किसानों को दे दी। इस फैसले के खिलाफ केशवानंद भारती पहले हाईकोर्ट गए, अजवान से उनको राहत नहीं मिली। इसके बाद केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट की भूमि सुधार कानून को में सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस भूमि सुधार कानून को चुनौती दी। केशवानंद भारती ने अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट से उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग। उन्होंने कहा कि मेरा मुझे संविधान से जो अधिकार मिला उसको बचाइएगा ना बॉस। तो उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि संविधान के आर्टिकल 25 में मुझे धर्म का अधिकार और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है और मेरी जमीन लेकर यह छीना जा रहा है मुझसे। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार मेरे पास है, तो संविधान मुझे अधिकार दे रहा है, यह सरकार कैसे जमीन से जुड़ा कानून लाकर मुझसे यह छीन सकती है। और आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार भी उन्होंने गिनाया और कहा कि आर्टिकल 19 के 1F के तहत संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता का अधिकार है जिसे 1978 में हटा दिया गया था। तो ये चार आर्टिकल्स उन्होंने गिनाए और कहा कि भैया ये मेरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जी आप मुझे न्याय दिलवाइए, केरल की सरकार ने मुझसे मेरी जमीन ले ली, मठ की जमीन ले ली। केशवानंद भारती ने कहा कि केरल सरकार के भूमि सुधार कानून से उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा केशवानंद भारती ने संविधान के 29वें संशोधन को चुनौती दी क्योंकि इसी संशोधन में 9वीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 शामिल था जिसके तहत उनकी जमीन ली गई थी। तो उन्होंने कहा इसको चैलेंज करता हूं मैं। अब हुआ क्या कि ये पूरा मामला, चूंकि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर दी, सामने जो कानून सरकार बनाकर लाई थी वो था, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला संविधान में मिले अधिकार और संसद की शक्तियों के बीच की लड़ाई बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी बेंच का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस की बेंच बना दी और बेंच की अध्यक्षता तत्कालीन चीफ जस्टिस SM सीकरी कर रहे थे। 13 जज मिलकर केस सुनने लगे। केशवानंद भारती की तरफ से उस वक्त मशहूर वकील नाना पालकीवाला पैरवी कर रहे थे। 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक यह केस चला और 24 अप्रैल 1973 को कोर्ट ने फैसला सुना। अब कोर्ट को तय करना था कि भाई संवैधानिक अधिकार किसी नागरिक के ऊपर रहेंगे या संविधान में जो विधायिका है यानी कानून बनाने का अधिकार जिस चुनी हुई सरकार के पास है उसको प्राथमिकता देंगे। अब आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो 13 जजों की बेंच थी इसमें एक राय से फैसला नहीं आ पाया। अभी नोटबंदी में 4-1 से, 5 जजेस की बेंच थी, 4-1 से फैसला आया, तो लोगों ने कहा अरे एक जज ने जो कह दिया वही जो उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं था नोटबंदी, उसकी पूरी चर्चा होने लगी, चार लोगों ने कहा उसकी नहीं चर्चा हो। यहां कितने जज थे? 13 जज। और जो फैसला आया केशवानंद भारती केस में वो फैसला कितने से आया आपको पता है? 7-6 से 7-6, 7 जज एक तरफ और 6 जज एक तरफ। सोचिए किस तरह से न्यायपालिका जो है इस मामले में बटी हुई। कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूलभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। संसद के पास अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं कर सकती। संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा संविधान का संशोधन तभी तक मान्य है जब तक वो संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता। कोई भी संशोधन संविधान की प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता। 13 जजों की बेंच में 7 जज इस फैसले के पक्ष में थे।
कि चुनी हुई सरकार संविधान के मूल भाव में बदलाव नहीं कर सकती, जबकि 6 जज इस फैसले से सहमत थे। ऐसा कहा जाता है कि इस फैसले ने देश में संविधान को सबसे ऊपर रखा, लेकिन इसने संविधान में संशोधन करने की संसद की ताकतों को सीमित कर दिया, जिसको लेकर अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे थे कि यह ठीक नहीं हुआ था जो फैसला आया। आज आपको न्यायपालिका और चुने गए जनप्रतिनिधियों के बीच की एक भयंकर टकराव का किस्सा भी सुनाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि यह परंपरा कितनी पुरानी है इस टकराव। इस तरह के टकराव ना तो नई बात है और ना ही आज तक खत्म हो पाए। ये तो भयंकर किस्सा है बॉस। मामला 1964 में उत्तर प्रदेश में सामने आया था। सुनिए क्या हुआ था। 1964 में गोरखपुर में सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती और उसके कार्यकर्ता थे केशव सिंह। ये भाई साहब ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस के एक विधायक होते थे नरसिंह नारायण पांडे, इन्होंने क्या किया कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और पर्चे छपवाए। अच्छा, ये पर्चे सिर्फ छपवाए नहीं, इन्होंने क्या किया कि वो पर्चे विधानसभा की लॉबी तक में बंटवा दिए कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस विधायक नरसिंह नारायण पांडे जो है वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि आरोप झूठे हैं, और उन्होंने कहा कि बतौर विधायक मेरे पास ये विशेषाधिकार है कि मुझ पर ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते, ये मेरे विशेषाधिकार का हनन है। नरसिंह नारायण पांडे ने मामले की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष मदन मोहन वर्मा से कर दी कि देखिए ये तो गलत हो रहा है, ये तो मेरे अधिकारों का हनन है। मदन मोहन वर्मा ने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया कि जरा देखिए क्या कह रहे हैं। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने जो केशव सिंह जिन्होंने आरोप लगाए थे और पर्चा बंटवाया था, तो केशव सिंह और उनके सहयोगियों को दोषी मान लिया और 19 फरवरी 1964 को सदन के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया कि आप लोगों ने गलत काम किया है, ये विधायक पर ऐसे आरोप लगाए ये ठीक नहीं है, आप आइए विधानसभा में पेश होइए। अच्छा, केशव सिंह के जो सहयोगी थे जिन्होंने पर्चा वगैरह छपवाया बांटा, वो सब तो विधानसभा आ गए, लेकिन केशव सिंह विधानसभा नहीं आए। केशव सिंह ने कहा कि उनके पास रेल किराए के लिए पैसे नहीं है, मैं कैसे आऊं। यहां नया तमाशा शुरू हो गया। केशव सिंह के विधानसभा में पेश नहीं होने पर मामला और गर्मा गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने केशव सिंह को गिरफ्तार करके सदन में पेश करने का आदेश दे दिया कि इनको गिरफ्तार करके लाइए अगर खुद नहीं आ रहे। इस आदेश के बाद केशव सिंह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करना अत्याचार है, मतलब विधानसभा उन पर अत्याचार कर रही है, यह उन्होंने कह दिया। स्पीकर के आदेश पर विधानसभा के मार्शल केशव सिंह को गोरखपुर से लखनऊ लेकर चले आए कि चलिए आपको बुलाया है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर केशव सिंह ने नया ड्रामा कर दिया, वो वहीं लेट गए, प्लेटफॉर्म पे लेट गए कि मैं नहीं जाऊंगा विधानसभा। वहां तमाशा हो गया प्लेटफॉर्म पे कि नहीं जाऊंगा, मार्शल कह रहे हैं चलिए। किसी तरह से केशव सिंह को विधानसभा में पेश किया गया। केशव सिंह स्पीकर की तरफ पीट करके खड़े हो गए, इससे विधानसभा स्पीकर और नाराज, क्या आदमी है पीछे पीट करके खड़ा हो गया। तो केशव सिंह की अभद्रता को उत्तर प्रदेश विधानसभा की अवमानना माना गया और इसके बाद विधानसभा ने केशव सिंह को 7 दिन की जेल भेजने का प्रस्ताव पारित कर दिया, कहा कि इसको 7 दिन जेल में डाल दीजिए। तो केशव सिंह को 7 दिन की जेल हो गई, भेज दिया गया जेल। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ, मामला खत्म होना तो भूल जाइए, 5 दिन बाद इस पूरे केस में भयंकर ट्विस्ट आ गया। केशव सिंह ने 5 दिन की सजा पूरी कर ली थी, लेकिन 6ठे दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसी ने केशव सिंह की जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी। अब यहां से ट्विस्ट आया, एडवोकेट बी सालोमन ने केशव सिंह की जमानत के लिए याचिका लगाई। जस्टिस मिर्जा नसीरुल्ला बेग और जस्टिस गुरशरण दास सहगल की बेंच इस केस को सुन रही थी, उन्होंने केशव सिंह को जमानत दे दी, इनको निकालिए जेल से, जमानत देते हैं। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को यूपी विधानसभा ने अपने काम में दखल मान लिया कि जुडिशरी कैसे घुस गई हमारे काम में, ये तो विधानसभा में विधायक के विशेषाधिकार का हनन था, हमने सजा दी, विधानसभा ने सजा दी, तो जुडिशरी कैसे घुस गई, तो उन्होंने कहा ये तो दखल दे रहे हैं। तो हाईकोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद विधानसभा में इस पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पास किया गया कि जस्टिस नसीरुल्ला बेग और जस्टिस गुरशरण ने विधानसभा की अवमानना की, मतलब जजेस को कह दिया कि इन्होंने हमारी अवमानना की और कहा कि दोनों जज को सदन के सामने पेश कीजिए। समन जारी हो गया बॉस कि जज को लाइए विधानसभा, ये कैसे विधानसभा की अवमानना कर दी, इतना तनातनी हो गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस फैसले के खिलाफ जस्टिस नसीरुल्ला बेग और जस्टिस गुरशरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील कर दिए कि भाई देखिए हमको बुला रहे हैं जजेस को,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 28 जज की बेंच का गठन कर दिया। मतलब उन्होंने भी ये सोचा कि अब बुलाओ, अब 28 जज के बेंच की बेंच सुनेगी, कितनों को बुलाओ। उन्होंने भी दिखाया कि सारे जज एक साथ हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी, एक तरफ विधायिका दूसरी तरफ न्यायपालिका, दोनों अपनी अपनी ताकत। और यह हाईकोर्ट की सबसे बड़ी बेंच थी, 28 जज, इतना बड़ा बेंच बनाई नहीं बॉस। मामला बढ़ता देखकर तब की उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, कानून मंत्री, यूपी के एडवोकेट जनरल, सबको बैठक करनी पड़ गई। बैठक के बाद विधानसभा ने नरमी दिखाई और दोनों जजेस के खिलाफ वारंट को रद्द किया। अच्छा, तब तक मामला केंद्र सरकार की भी जानकारी में आ चुका था, तो केंद्र सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कहा कि जरा देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लीजिए कि क्या ठीक है। उसके बाद जाकर इतना दखल वखल हुआ, तब जाके मामला शांत हुआ। हालांकि इसके कुछ ही महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस नसीरुल्ला बेग और जस्टिस गुरुशरण के उस फैसले को सही ठहराया जो उन्होंने केशव सिंह को रिहा करने के पक्ष में लिया। लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि मामला कितना भयंकर हो चुका है इस देश के अंदर जुडिशियरी और विधायिका के बीच। यानी इस तरह के टकराव पहले भी होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में यह टकराव बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे जजों की नियुक्ति का मामला, इस पर देश के कानून मंत्री भी बहुत कुछ कह चुके हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें खामियां बता चुके हैं, लेकिन बदलाव कुछ हुआ नहीं। और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे को फिर उठा दिया। एक बार छोटा सा उनका बयान सुनिए, फिर इस पर बात करें। 2015 16 अक्टूबर का दिन लोकसभा और राज्यसभा ने एक कानून पारित किया जिसको आम भाषा में हम नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का कानून कहते हैं। लोकसभा में सर्वसम्मति से वो कानून पारित हुआ, सर्वसम्मति से। राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, पर एक एब्सटेंशन था, लोकसभा में कोई एब्सटेंशन नहीं था। संविधान की आवश्यकता थी कि मोर देन 50% लेजिस्लेचर पास करें। राजस्थान लेजिस्लेचर वॉज द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू रेटिफाई इट। तो इस कानून का मसला फिर से उठ गया, एनजीएसी का। थोड़ा सा आपको इस कानून के बारे में बता देता हूं। 2014 में मोदी सरकार 99 वहां जो संविधान संशोधन था उसके जरिए कानून लेकर आए जिसमें कॉलेजियम सिस्टम की जगह जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजीएसी बनाने की पहल हुई। अच्छा, 2014 में आए एनजीएसी कानून के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग बनाया गया और इस आयोग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 6 सदस्य चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा 2 वरिष्ठ जज थे, कानून मंत्री थे, सिविल सोसाइटी के 2 लोग भी शामिल थे। और सिविल सोसाइटी के 2 सदस्य कौन होंगे ये तय करने का अधिकार भी चीफ जस्टिस, पीएम और लोकसभा में विपक्ष के नेता को तय करना था, उनके पास था अधिकार। इन दोनों सिविल सोसाइटी के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल तक तय किया गया। ये कानून अप्रैल 2015 में लागू हुआ, लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से एनजीएसी कानून को ही रद्द कर दिया। तो वही वो कह रहे थे कि भाई कानून हम बनाएंगे और आप उस कानून को रद्द कर देंगे, ये कैसे चलेगा इस देश के अंदर। यही बहस चल रही है विधायिका और न्यायपालिका के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च मानते हुए एनजीएसी कानून को असंवैधानिक बता दिया और कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नए कानून में कानून मंत्री के रोल से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी, जबकि उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और उनको भी चुनने का अधिकार किसी और के पास था, कानून मंत्री के पास तो था ही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ दोष हैं और मौजूदा व्यवस्था को ठीक करने और उसे पारदर्शी बनाने की जरूरत है। लेकिन 2015 में कानून रद्द हुआ, आज हम 2023 में खड़े हैं, 8 साल में क्या हुआ उसको बदलने। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना था जो अब तक बनी नहीं पाया। हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर भी न्यायपालिका और सरकार आमने सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे ना, कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एक ही दिन में नियुक्ति कैसे हो गई, इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी, चुनाव आयुक्त का पद 15 मई से खाली था, 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ, अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल सरकार से मंगवा ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जानना चाहता है कि इसमें कुछ हैंकी पैंकी यानी गड़बड़ी तो नहीं है, अगर सरकार सही है तो डरने की जरूरत नहीं और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई थी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सवाल यह भी है कि क्या कार्यपालिका के हर छोटे छोटे काम की समीक्षा होगी क्या,
अगर आप हर कदम पर शक करेंगे तो यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और गरिमा को प्रभावित करेगा, आयोग के बारे में लोगों की राय पर भी बुरा असर डालेगा। तो लगातार यह हो रहा है और जिस तरीके से न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव बढ़ रहा है, यह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। खास तौर से सार्वजनिक मंच पर जो बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, न्यायपालिका की तरफ से कुछ कहा जाए, इससे जनता में गलत मैसेज जा रहा है और इन संस्थाओं की छवि और विश्वसनीयता कमजोर ही होगी, मजबूत नहीं होगी। लोकतंत्र में विधायिका और न्यायपालिका की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई कम नहीं है, दोनों की जरूरत है इस देश को। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, टकराव की स्थिति बनती है, तो आपसी बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन विधायिका चिंता जताए, न्यायपालिका को लेकर ये सोच बने कि भाई ये थोड़ा सा बैकफुट पर रहते हैं, अपनी चीजों को लेकर थोड़ा सा एक दायरे में रहते हैं, ये चीजें ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिहाज से। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को आपस में मिलकर इसको सुलझा लेना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है, वरना ये पता नहीं ये टकराव कहां तक जाएगा।